राम राम जी। मैं आपका अपना वीकेश विनोद कुमार शुक्ला। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जोश में होंगे, वी के छोटू यूट्यूब चैनल पे वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का अनोखा ब्लॉग आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने है लकड़ी पाटनी है, ठीक है। लकड़ी कैसे पाटते हैं, और दोस्तों बहुत ही मोटी जड़ है, ठीक है, उसको कुल्हाड़ी के द्वारा अलग अलग टुकड़े में बांटना है, ठीक है। तो कैसी वो जड़ है, कैसी वो कुल्हाड़ी है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं, पाटन जो लकड़ी है उसको पाटने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। घूम जा, देखो भाई, ये है कुल्हाड़ी और ये लकड़ी है भाई। नज़दीक आगे दिखा दे भाई, देखो ये है ये कुल्हाड़ी और ये लकड़ी, इसको पाटना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस लकड़ी को पाटना, ठीक है। ये कुल्हाड़ी है ये भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये हो गई है इसको अलग, ठीक है। मजा आने वाला दोस्तों, मजा आएगा बिल्कुल। देखो भाई, ये हो गई अलग। देखो दोस्तों, उस जो लकड़ी थी, जो जड़ थी दोस्तों, उसकी सारी की साजी सारी सारी पाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप ये टुकड़े, ठीक है, और इस कुल्हाड़ी के साथ वही, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे है दोस्तों पत्थर दबा हुआ था, ठीक है, मिट्टी के अंदर धरती में, तो वो भी बाहर निकल के आ गया है और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। देखो इधर, देखो वो दोस्तों पसीना आ गया है, ठीक है, फुल पसीना आ गया है, ठीक है। कोट मैंने निकालना नहीं है, और वैसे कोट भी निकाल देता था। और आपने देखा दोस्तों, लकड़ी इस जो कितनी मोटी लकड़ी थी उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। आशा करता दोस्तों आप सभी को यह है ब्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है, लकड़ी पाटने वाला ब्लॉग। तो दोस्तों आप ये कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट जरूर करना है। तो आप जैसे सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई सलाह भी हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इंजॉय करते रहे, खुश रहे, और मेरी भगवान से यही दुआ कि आप हमेशा खुश रहे और आपकी ज़िंदगी में गम ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहे, एंजॉय करते रहे, और यूं ही जोश में रहे, और वी के छोटे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखते रहे। तो जय हिंद, जय माता की।